नमस्कार व्यूअर्स, अभी जिस जगह पे मैं हूँ यह है एक छोटा सा टापू। ये टापू देख रहे हैं, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है और ये टापू है। और ये है अयोध्या में। अयोध्या में जो नदी है उसी नदी में ये टापू बना हुआ है। और ये मेरे सामने जो पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये सरजू नदी के बीच में जो टापू बना है और ये सरजू नदी के किनारे पे जो मंदिर है और हम दूसरे किनारे टापू पे यहाँ पे स्नान करने गए हैं। ये जो जगह है उसको बोलते हैं कुप्तान घाट। ये काफ़ी फेमस जगह है बट लोगों के बीच में इतना चर्चित नहीं है, क्योंकि लोग अयोध्या के बारे में जानते हैं कि अयोध्या सिर्फ राम जी का जन्म स्थान है, तो सभी लोग जो है अयोध्या राम मंदिर को जानते हैं। लेकिन ये वो स्थान है जहाँ से भगवान राम ने मोक्ष की प्राप्ति ली, यानी कि शरीर का त्याग किया और अपने वैकुंठ धाम गए। राम जी के साथ अयोध्या के बहुत सारे लोगों ने जल समाधि ली थी और वहाँ से वो लोग वैकुंठ धाम गए। तो ये जगह भी काफ़ी फेमस है। जब भी कभी आप अयोध्या आए तो ये उत्तर घाट जो है उत्तर घाट आप जरूर आए और यहाँ पे आके बोट का राइड और यहाँ पे आके स्नान करने का मजा जरूर है। जैसा कि मैंने भी लिया है, मैंने भी स्नान भी किया, पानी में बहुत मज़ा आ गया। ये पानी यहाँ का जो बहुत साफ है, बहुत चीज़ है। कैसे घाट पे आप आ सकते हैं अयोध्या दर्शन से, क्या फैसिलिटी है सारी चीज़ें। यहाँ पहुँचने के लिए आप राम मंदिर जो अयोध्या में है वहाँ से आप 11 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे और अयोध्या रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गुप्तार घाट है। यहाँ आने के लिए आपको अभी जो सुविधाएं हैं इसमें आपको अपना एक कोई भी गाड़ी रिजर्व करके आना आपको फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग में ऑटोज नहीं चलते हैं डायरेक्ट, आपको बहुत सारे ऑटो बदल के आने पड़ेंगे। इस तरह के बैटरी का रिक्शा आप लीजिए और यहाँ पे सामने जो मंदिर दिख रहा है और इसके बगल में भी बहुत सारे मंदिर है। सबसे पहले चलते हैं इस मंदिर के बाद प्रवेश करने के बाद जो है यहाँ पे अभी बहुत सारा जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके का साइट सीन तैयार किया जा रहा है जो आने वाले समय में जो है लोगों में और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करेगा और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। ऐसे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं लेकिन अब ये इतनी पॉपुलरिटी नहीं गेन कर पाई है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी बहुत चल रहा है। क्योंकि तो काफ़ी फेमस जगह है, इसका इतिहास काफ़ी फेमस है, इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी फेमस है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की एक एक बारीकियों से आपको रूबरू कराते हैं, इसका इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे ये छोटा सा स्टॉल दिखा जहाँ पे मक्का मिल रहा था, उसके आगे ये मंदिर दिखा दे रहा है। ये प्राचीन मंदिर है, इसमें आपको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का मंदिर आपको मिलेगा। यहाँ जो घाट है, इस घाट का नाम पहले गौ घाट हुआ करता था, क्योंकि जब राम जी धरती को छोड़ के अपने वैकुंठ धाम गए तो सबसे पहले आके उन्होंने गौ पूजन किया यहाँ पे, फिर सरजू नदी का पूजन किया, उसके बाद वो अयोध्या के लोगों के साथ जो है जल समाधि ली और अपने वैकुंठ धाम गए। जब राम जी अयोध्या से गौ घाट के लिए प्रस्थान कर रहे थे जल समाधि के लिए, जब वो यहाँ पहुँचे तब हनुमान जी को पता चला कि राम जी जो है अयोध्या छोड़ के जल समाधि ले रहे हैं, तो वो दौड़ के यहाँ आए। लेकिन राम जी ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाकर उन्हें वापस भेज दिया, कि उन्होंने कहा कि आप जो है अयोध्या का राजा बनेंगे और आपका महल सबसे ऊंचा होगा। जो है हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बोट्स लगे पड़े हैं, रंगीन रंगीन बोट्स लगे हैं, तो इनका थोड़ा सा हम लुत्फ़ उठाते हैं। अभी जो है हम इस साइड से जो है दूसरी साइड जो दिख रहा है आपको, वो आपको जो टापू दिख रहा है उस साइड में, वो टापू पे अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटीज करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बोट लगे हुए हैं और ये बोट जो है आपको चार्ज करेंगे 50 रुपीज़ पर पर्सन, जो अभी चार्ज बोट वाले ने बताया कि हम 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे पर पर्सन। तो यहाँ बहुत सारे बोट हैं, यहाँ से उस साइड हम पहले चलते हैं।
तो अभी हम जो है अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट बोट हमने किया है और इस बोट से जो है हम जा रहे हैं उस पार, दिख रहा है आपको उस पार हम जा रहे हैं और ये बोट का नज़ारा। चलिए थोड़ा सा बोट का राइट ले, मज़ा आ जाए और उस पार चल के जो है वहाँ पे थोड़ा सा स्नान करेंगे हम लोग। ये बोट आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करेगा ये दूसरी साइड ले जाने के लिए। आप चाहे तो इसे रिजर्व भी कर सकते हैं, अगर फैमिली के साथ जाए तो उसको रिजर्व करके जाइए। और बोट राइड यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा बोट है और काफ़ी इंजॉय करने का मन कर रहा है। देखिए हमारे लोग सब इंजॉय कर रहे हैं इस पे। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो इस घाट पर स्नान करता है उसके सारे दुख और चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है और प्रभु राम की कृपा प्राप्त करता है। तो हम भी चलेंगे स्नान करेंगे इस घाट पे और राम जी की कृपा प्राप्त करेंगे। ये हमारे पीछे इस साइड जो आप छोड़ के अभी हम आ रहे हैं इसको बोलते हैं दुखकार घाट। और ये दुखकार घाट जो है अयोध्या में है और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के जन्म स्थान के लिए फेमस है उस तरीके से ये घाट का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये घाट में आप जैसे रामायण देखा होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, शिवाजी का, तो ये जो नदी के बीच में जो टापू जैसा आपको दिख रहा है अभी वो हम उस घाट पे थे, वो मंदिर वाला वो घाट है, वहाँ से हम बोट के द्वारा जो है इस टापू पे आए हैं। और ये देखिए टापू जो है कितना बड़ा टापू जैसा बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा समय यहाँ पे एंजॉय करेंगे। आप देख सकते काफ़ी शांति है यहाँ पे, कितना अच्छा हवा आ रहा है, पूरा वाटर जो है यहाँ का नदी का इतना क्लीन है कि आप यकीन मानिए कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस पानी में जाने से, कितना क्लीन है पूरा ट्रांसपेरेंट। शानदार जो नज़ारा आ रहा है बहुत ही शानदार नज़ारा आ रहा है। इस पानी में नहाने का तो अपना ही मज़ा आ रहा है और पानी इतना ठंडा है कि मत पूछिए, काफ़ी ठंड है। ये हमारे दोस्त लोग जो है पानी में अटखेलिया कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी स्नान कर, नदी में आ चुके हैं, देख रहे हैं कितनी हवा चल रही है और कितना ठंड लग रहा है, इतना ताज़ा पानी और ठंडा पानी, मज़ा आ गया लेकिन पानी बहुत ही मज़ा आ गया। चलते हैं जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं, देखो ठंड लग जाएगी। अब स्नान करने के बाद हम बोट से जो है थोड़ी देर घाट का नज़ारा लेंगे, थोड़ा देर घाट घूमेंगे, देखेंगे और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे पानी देखिए कितना साफ पानी है, पानी तो यकीन मानिए ऐसे नदी में पानी हमने सिर्फ ऋषिकेश और हरिद्वार में ही देखा था, ये मैदानी इलाकों में इतना साफ पानी यकीन मानिए बहुत ही मनोरंजित कर रहा है मुझे। अब हम जो है वापस घाट पे आ गए जिस साइड में मंदिर है, तो यहाँ से अब हम चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे और क्या है। अभी हम गुप्तार घाट पे एक मंदिर में चल रहे हैं जो इस घाट पे ही बना हुआ है, देख रहे हैं, और गुप्त हरि मंदिर का नाम है। यहाँ पे कहा जाता है कि राम जी के चरण के जो है निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए हम उनका इंतजार करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम जिस मंदिर में जा रहे हैं यहाँ पे राम जी का चरण है। कहते हैं कि राम जी जब जल समाधि ले रहे थे तो उन्होंने अपने चरण चिन्ह यहीं छोड़ के गए थे। यहाँ से जो मंदिर है इसी मंदिर में हम चरण चिन्ह उनके दर्शन करेंगे और मंदिर में चलते हैं। मंदिर का जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा है और संकरा है, इसमें एक साथ दो या तीन से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये देखिए ये है प्रभु श्री राम जी का चरण चिन्ह जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के पंडित का कहना है कि ये उसी समय का चरण चिन्ह है जो प्रभु राम जी ने यहाँ पे छोड़ के गए थे जल समाधि लेने से पहले। चलिए ऊपर में मंदिर में हम
गाड़ी से बात करते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा हम जानकारी देते हैं। तो आइए हम यहाँ के पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के खासियत के बारे में। पंडित थोड़ा सा बताइए क्या है खासियत इस मंदिर का। इस मंदिर का जो महात्मा है यहाँ का दो है, गुप्तहरी चक्रहरी और राम जी से। गुप्तहरी चक्रहरी तीर्थ या स्थान जो है सतयुग का स्थान है, इसमें स्कंद पुराण अयोध्या महात्म वैष्णव खंड में लिखा है। तीर्थम तदंतर श्रेष्ठम गो कतारादिता महात्म विष्णु स्थान आचार नामना गुप्तहरी तीर्थों में श्रेष्ठ गो कतार नामक तीर्थ जहाँ भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से निवास करते हैं। उसके बाद देवताओं की बल वृद्धि के लिए भगवान विष्णु जो है यहाँ गुप्त रूप से तपस्या किए थे। उसके बाद भगवान विष्णु जो है यहाँ पर प्रकट हुए थे तो उनका सुदर्शन चक्र यहाँ गिर गया था, इसलिए चक्रहरी जी हैं। नीचे भगवान विष्णु गुप्त रूप में तप किए, इसलिए गुप्तहरी जी हैं। सभी देवता इनके प्रभाव से बलशाली हुए, उसके बाद अपना राजपाल स्वर्ग सभी को प्राप्त हुआ था। उसके बाद सभी देवताओं का भगवान जो है यहाँ दर्शन दिए, फिर आए सभी देवता भगवान का धन्यवाद देने के लिए। तो सभी देवता भगवान की स्तुति की, भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु हम सबके बल वृद्धि के लिए आप यहाँ पर निवास करें। तब भगवान विष्णु कहा कि तथास्तु, तभी से भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से निवास करते हैं। राम जी भी जो है प्रजा सहित अयोध्या से पैदल चलकर यहाँ पर आए। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में लिखा है कि राम जी एक उत्तम स्थान पर आए, उत्तम स्थान यही है जहाँ भगवान विष्णु यहाँ निवास कर रहे हैं। राम जी अपने मूल रूप में यहाँ पर आ गए थे भरत शत्रुघ्न के साथ, शास्त्री विष्णु रूप में। उसके बाद पूरा अयोध्यावासी सभी लोग शरीर में गोता लगाए, जो दिव्य शरीर हुआ वही विमान में बैठे अपने परमधाम को लेकर राम जी यहाँ से चले गए थे। ठीक। ये जो मंदिर था वो गुप्तहरी और चक्रहरी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसकी महिमा अभी पंडित जी ने बताई कि ये क्यों फेमस है। तो यहाँ भी आप आए तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। राम जी के चरण हैं, विष्णु जी के चरण यहाँ पे मौजूद है अभी भी। इसी घाट पे स्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने का अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आप अनेकों लोगों के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, पिकनिक मनाने यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो मंदिर घूमने के बाद जो है हम लोग जो है ये देखिए ये ढाबे पे आए हैं। ये मंदिर के पास में ही जो ढाबा है यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नैक्स कर रहे हैं कुछ, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे देसी लिट्टी और ये चोखा टाइप का लग रहा है। तो भाई साहब तो पूरा घी में बना हुआ है, पूरा देसी वाला घी है और ये जो टेस्ट है स्टफिंग का बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको पहले हम करते हैं एंजॉय। आई होप ये गुप्तार घाट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत मज़ा आएगा।